Hello everyone, my name is Doha and today, by the help of Broken Dreams, we are going to teach you Japanese Vocabulary 1. はい、皆さんこんにちは、日本語の先生のシャンとドーハです。今日はですね、Broken Dream からの2つ目の動画になります、日本の文法シリーズ始めていきましょう。आप लोगों ने जो पहले हमने आपको सिखाई थी हिरागाना खाटागाना और सेंटेंसेस बनाना सिखाई थी वो आपने प्रैक्टिस किए अच्छी तरह याद किए हैं अब वोकैबुलरी हम आपको सिखाने जा रहे हैं और इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है ओके सो लेट्स स्टार्ट さて、前の動画で、教えたことはもちろん練習してもらいながら今回の新しいことをやっていきましょうそれではスタートしましょうそれでは、はじめの言葉ですね。わ、た、し、め。実際のウルドゥメボルテヘ、メラナム、ドハヘ、メ、ドハハン。イシテリケさん、ジャパニーズメスタマルカルテンワル、わ、た、し、わたし。次の言葉ですね。ぼ、く、ぼく。僕、जिस तरह हम उर्दू के अंदर मैं बोलते हैं, मुझे बोलते हैं, अलग-अलग words एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं I, myself, me. इसी तरीके से जापानीज में हम बोलते हैं वाताशी, बोकु. और बोकु का जो word इस्तेमाल होता है, वो ज़्यादातर लड़के इस्तेमाल करते हैं. लड़के इस्तेमाल नहीं करती. अगर कोई लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएगा तो बोलेगा बोकु नो नामाए वा दोहा देस या फिर वाताशी वा दोहा देस लड़के इस्तेमाल नहीं करती बुक सी ですね सेंसेई दोहा सेंसेई शान सेंसेई टीचर को कहते हैं जापानीज में सेंसेई सी ですね友達किसको कहते हैं दोस्त को友達次ですね。留学生。बैन अल अक्वाबी तालिब इल्म जो स्टूडेंट्स जो तालिब इल्म अपने मुल्क से बाहर जाके पढ़ते हैं उनको बोलते हैं हम ल्यूगक्से इंग्लिश में क्या कहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उर्दू में क्या कहते हैं बैनुल अक्वामी तालिब इल्म और जापानीज में क्या कहते हैं ल्यूगक्से सी ですね どなた誰कौन का वर्ड इस्तेमाल होता है जब हम किसी का नहीं पता होता कौन है क्या है जैसे शान कौन है शान सेंसे है शान वा दारे देस का शान वा सेंसे देस सी ですね はい どちらこっちはどこ कहां जब हमें किसी जगह का नहीं पता होता या कहीं पर हमें जाना होता है जहां का हमें एड्रेस नहीं पता होता तो हम बोलते हैं वो जगह कहां पर है तो ये वर्ड इस्तेमाल होता है कहां इसी तरीके से जापानीज में हम बोलते हैं दोको दाइगक्कु वा दोको देस का यूनिवर्सिटी कहां पर है गक्को वा दोको देस का ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है दोको अनाता वा दोचिरा करा देस का वाताशी वा निहोन करा किमाश्ता वाताशी वा पाकिस्तान करा किमाश्ता अगर कोई आपसे सवाल पूछेगा अनाता वा दोको करा किमाश्ता का वाताशी वा निहोन करा किमाश्ता और ये भी आपसे पूछ सकता है अनाता वा दोचिरा करा देस का वाताशी वा निहोन करा किमाश्ता इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वर्ड को दोचिरा दोको सी ですね ना に何と何क्या कोई सवाल अगर आपने किसी से पूछने तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं क्या का वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या हाल है
इसी तरीके से जापानीज में नानी का वर्ड इस्तेमाल होता है। नानी का मतलब नानी नहीं है, नानी जापानीज में क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नानी, मैं शान से पूछ सकता हूं नानी इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। はい、次です。小学、小学、小学、小学、スクール。あなたはスクールの中で学んでいます。日本語で何言うの？小学、小学。次ですね。中学、中学。中学 middle school। जैसे जो students fifth और sixth grade में होते हैं उनको हम क्या कहेंगे कि वो चूगकु में है, middle school में है।次です。大学私は大学生です。私は大学に勉強しています。大学का जो वर्ड है उसका मतलब है यूनिवर्सिटी। मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और आप स्कूल में पढ़ रहे हैं। अनाता ताची वा शोगको नि बैंक्यो शिते इमास। अनाता ताची वा शोगक्से देस। वताशी वा दाइगक नि बैंक्यो शिते इमास। वकारू わかる？覚えていますか？練習してくださいね。次ですね。これは質問をする文になります。今まで小学、中学、まあ、大学ってきたんですけど、小学校のどの学年にいるのか、どのクラスにいるのかを聞きたいときはこの質問の文を使います。あなたは小学何年生？नान का जो वर्ड है वो हमने पहले पढ़ा था, सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। और नेन का मतलब साल और से का मतलब है नान नेन से, मतलब कौन सा साल। अगर मैंने शान से पूछना है, शान सा अनाता वा नान नेन से देस का? वादाशी वा दाइगक निनेन से देस। आ, सो देस का? है, सो गोई देस ने। そうですね。で、ここからは、数字の、レッスンになります。今まで、まあ、何年生とかって言ってきたんですけど、何年生か言うときには1年生、2年生、3年生と、まあ、数字を使わないといけません。なので今からは数字の勉強をしていきましょう。अभी तक हम पढ़कर आए थे कि कितने साल के हैं, कौन से साल के हैं, और अब से हम पढ़ेंगे जापानीज की काउंटिंग 1 2 3, एक दो तीन। जिस तरह उर्दू जबान के अंदर, इंग्लिश जबान के अंदर, सबके जबानों के अंदर अपनी अपनी काउंटिंग्स हैं, अरबिया के अंदर सब जबानों में अपनी अपनी काउंटिंग्स हैं, 1 2 3, एक दो तीन, इसी तरीके से जापानीज में भी है इची नी सांग। अब से आपने प्रैक्टिस करनी है इन वर्ड्स की, ठीक है? चले, आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। हाय, सो ये है हजमे का सूची ですね। नंबर 1 です。はい、1一、一、一。それでは次ですね。二、もう一回いきましょう。二、二。次です。三つ目ですね。はい。三、はい。三、三。次ですね。2つ読み方があります。で、普通はいつもみんなはこっちを使います。みんなで言ってみましょう。はい、よん、よん。 for को कहने के लिए हमारे पास दो読み方है, यानी दो तरीके हैं हमारे पास for को कहने के लिए, よん और she, よん she で、C はですね、あんまり使うことがないので、4の方をしっかり覚えておきましょう。
she हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि young का word याद कर लिया जाए, young. 次ですね、5番目の数字。はい、5。もう一回言いましょう。5。Go five. जिस तरीके हमारे पास English के अंदर हम बोलते हैं, let's go, let's go to have food, let's go shan, let's go to a run. इसी तरीके से जापानीज़ में इसको हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं. Go five. Go. Go. 次ですね、6番目の数字。いきましょう。6。6。6。उर्दू में हम क्या बोलते हैं? रुको. रुको का मतलब होता है रुक जाओ. लेकिन जापानीज़ में हम बोलते हैं रुक. और इसका क्या मतलब होता है? 6. रुक. はい。ここにも2つの、読み方がありますが、これは 7番目の数字で、普通いつも使うのはこっちですね。7。はい。7。7。ये नाना वाला नाना नहीं है, ये जैपनीज का 7 है, नाना. और 7 के अंदर भी हमारे पास दो काउंटिंग्स हैं, नाना, शीची, शी, ची. はい、次の数字に行きましょう。はい、8。発音は8。もう一回言ってみましょう。8。8。8。8. Japanese में बोलते हैं हाची. 次ですね、9番目の数字です。はい、これは、普通いつも使っているのはこっち側ですね。それではまずこっち側からいきましょう。はい、9。9。いいですね。で、こっちの読み方もあります。はい、これは9。まあでもこっちは人数、人を数えるときに1人、2人、3人、4人、5人で9人、こういうふうに人を数えるときに使うのが9です。普通はいつもこっち側の9を使うので、こっち側をしっかり覚えておいてください。 Normally हमारे पास दो है 9 के words भी, जिस तरह हमारे पास 4 के दो words हैं, young और she, 7 के भी दो words हैं, इसी तरह हमारे पास 9 के भी दो words हैं. Normally हम लोग क्यू इस्तेमाल करते हैं, क्यू. उर्दू के अंदर हम बोलते हैं क्यू, सवाल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं क्यू. लेकिन जापानीज़ के अंदर इसका वर्ड है, काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं क्यू. अगर हमें लोगों की काउंटिंग करनी है, हितोरी, फुतारी, इस तरीके से, तो हम बोलते हैं कुनिन. वरना नॉर्मली हम लोगों को दूसरी चीजें काउंट करनी होती है तो हम बोलते हैं क्यू. हाई इचकारा 10まで数えていく上で最後の数字が来ました。はい、これは10。はい、10って言います。10。いや、またラストワードで、カウンティングで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10、アフリワードで、カウンティングがジャパニーズキー。10、10。はい、それではさっき何年生っていう言葉を、まあ、紹介したのを覚えていますが、それで答えるときに自分は小学何年生ですっていうときに今まで、習った数字を当てはめていってみましょう。はい、ドーハさん、はい、あなたは、大学何年生ですか？私も1年生です。私は1年生です。हमने पिछली क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि मो और वा किस तरफ किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, याद है आपको? तो अगर शान फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और मुझे भी बोलना है शान वा 1年生です。私も1年生です。लेकिन अगर शान फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूं तो मैं बोलूंगा वताशि वा 2年生です。लेकिन अगर हम दोनों सेम ईयर के अंदर है, अगर हम दोनों ओना जी नेन से दत्तरा मो इस्काइमस ततोएवा वताशी मो नी नेन से देस वताशी मो इची नेन से देस.
難しいですよね。頑張ってください。頑張りましょう。はい、次です。専門、専門、もう一回言いましょう。専門、専門、専門、専門、major。जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास कोई सेम मोन होना चाहिए, कोई पढ़ने के लिए सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस, शान पढ़ रहा है एनवायरनमेंट के हवाले से। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स होती हैं, तो उसको हम जैपनीज में बोलते हैं सेम मो। शान सा नो सेम मो वा नान देस का। वाताशी नो専門は開発です。難しいですね。次ですね。これはみんながいつも学校で勉強している科目になるんですけど、数学。数学。もう一回言いましょう。数学。数学。リアジー。इस तरीके से हम जैप स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जापानीज में क्या कहते हैं? सुगक, सुगक। 皆さん数学は好きですか? いや、私なら好きではありません。じゃあ今なんて言いました? 今最近言ったことは、リアジ、いや、数学はMathematics to you。 それじゃないです。それじゃないよ。はい、ここが、はい、次です。これはですね、まあ少し難しい、科目になってきますね。はい、生物、生物。もう一回言いましょう。生物、生物、バイオロジー。बायोलॉजी आप लोगों को पता है क्या होती है? हयातियात, जो हमारी बॉडी होती है उसकी स्टडी, या फिर जो जिंदा चीजें हैं जैसे प्लांट्स, ह्यूमंस, इंसान, पौधे, परिंदे, उनके बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं जापानीज में? सेबुत्सु। सीखिए इसमें कागाकु इत्ते मिशो। कागाकु, もう一回言ってみましょう。科学、科学、科学、サイエンス。サイエンスけはわりせとあっこさっこぱたほが。サイエンスめきゃあぱってへん。ジャパニーズめきゃあげてへん。科学。いすたりけけサイエンティスビューてへん。シャンさんが科学者なりたいですか?私は科学者にはなりたくないです。残念でした。次ですね。はい、古い建物がたくさん並んでいますが、こういった建物を、まあ、勉強できるのはこの教科ですね。はい、歴史って言いましょう。歴史、もう一回言ってみましょう。歴史、タリーフ、ヒストリー。ハマエジョアバーアジダーッテヘン、ウンケバリメパルナ、ジョヒストリーオティヘン、ジスタリケセ、パキスタンバナ、ウスコパルナカケテヘン、रेकीशी, जिस तरीके से इधर ताजमहल, इजिप्ट में जो पायरामिड्स हैं वो, और जिस तरीके की पुरानी जो तस्वीरें हैं, इनको हम क्या कहते हैं कि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो इसके हवाले से जो हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं हम? हिस्ट्री। रेकीशी, रेकशी, रेकशी। सीखिए इसमें जीवन नो कुनी नो कोतोबा ओ बेनक्यो सुरु तोकी वा कोनो सब्जेक्ट ओ बेनक्यो शिमासु。これはまあ自分の言葉なので、インドネシアでもパキスタンでも日本でもスリランカでもどこでもいいですね。それでは行ってみましょう。国語、国語、もう一回行ってみましょう。国語、国語、国語は like we have different countries, so हम लोग अलग अलग ज़बानें बोलते हैं हर मुल्क के अंदर। अगर पाकिस्तान है तो हम क्या कहते हैं? उर्दू। अलग अलग ममालिक हैं, उन ममालिक के अंदर हम अलग अलग ज़बान इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू, इसी तरीके से हम इंडोनेशिया में क्या इस्तेमाल करते हैं, इंडोनेशियन लैंग्वेज। इसी तरीके से हम नेपाल में क्या इस्तेमाल करते हैं, नेपाली। श्रीलंकन के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, श्रीलंका की एक अपनी जबान है, और यहाँ पर जापान का फ्लैग नहीं है, लेकिन जापान के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जैपनीज। निहोंगो, निहोंगो। कोकुगो मींस अलग अलग जबानें, अलग अलग कंट्रीज की जबानें।次ですね、まあみんなが頑張って勉強すると世界中の国の人と喋れるようになります。言ってみましょう。えいご、発音はえいご。もう一回言ってみましょう。えいご、 English、 英語、アングレージー言ってはん、ウルドゥーケンダー English को हम English में English बोलते हैं, Japanese में हम बोलते हैं英語、A-E-G-O A-G-O。 次ですね、はい、僕たちが今まさにここで勉強している科目になります。ここにある日本の国旗から分かるように、これは日本語、発音は日本語。もう一回言ってみましょう。日本語、日本語、日本語。अगर आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया दिल लगा के और हर रोज प्रैक्टिस करी जापानीज, तो फिर आप लोग जापान आएंगे। आने जापान आप लोगों को, उसके लिए आप लोगों को जापानीज पढ़नी है। निहोंगो।次ですね、みんな授業っていうのは、まあ、勉強するだけじゃなくて、まあ、サッカーをして、まあ、力をつけたり、いろんなスポーツをしたりね、ドーハクみたいにいろんなことをやることもできます。こういったことをまあ勉強するのは、このサブジェクトですね。はい、体育、発音は体育。もう一回言ってみましょう。体育、体育、体育。सेहत। जिस तरीके से हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, इसी तरीके से स्कूल के अंदर हम अलग एक्टिविटीज भी करते हैं, अलग चीजें भी करते हैं, जैसे खेल कूद, फुटबॉल, क्रिकेट, या फिर अलग स्पोर्ट्स कोई दूसरा, स्विमिंग करते हैं क्या आप लोग, फिट रहने के लिए, मसल्स बिल्ड करने के लिए। मेरे पास मसल्स नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, तो आप मसल बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। はい、じゃあ今日の授業は以上になります。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。はい、それでは皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、まあ、漢字とその意味を一つずつみんなで覚えていきましょう。あ、じゃあ漢字をおるすけ、まつらばっこさんじゃいんげ。はい、それでは、はじめのやつですね。はい、これは、まあ、ここに見てわかるように、山を意味する漢字ですね。読み方はここにあります。山。अच्छा, हम इसको कांजी को किस तरह से लिखते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। वन टू तीन, इस तरीके से तीन लाइनें बनानी है। एक तो ठीक दो शो ये माता का तो से ここだけだね ये वो ना करते そっか あ、どうしよう なんで じゃあシャンが書き方してねじゃあまたね。OK。はい、それでは皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は、今日は、Japanese का पहला टॉपिक पढ़ाएंगे, kanji। kanji पहले मैं आपको हमने आपको समझाई थी कि kanji क्या होती है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से खांजी को लिखते हैं और उसका मीनिंग भी पढ़ाएंगे। はい、
それでは初めの漢字ですね。はい、これは何かというと、まあ、ここ見てわかるように、これが意味するのは山という漢字ですね。まず発音を見てみましょう。やとまで山と発音します。山、山を登ります。パハッチャーネジャーテンロー。トイステリケセイエセンテンセケパハッチャーナヘ。はい、それでは、書き方を見てみましょう。はい、ここからスタートします。真ん中から1で2最後に3ですね。発音2回だけ練習してみましょう。せーの、山。そうですね。それではもう一回。せーの、山。はい、そうです。ここに例文がありますね。山を登ります。これは、まあ、山を登っていくという意味ですね。センテンスキュープラクティスカレンコルダファ。山を登ります。はい、次ですね。まあ、これはパキスタンにもたくさんありますね。これは、まあ、水がたくさんあるものを意味します。この読み方は、かとわで、川と言います。じゃあ、ナディーはパキスタンの中、ダリアは、うんこはんぼうてへん、川。それでは、発音を2回練習してみましょう。川。もう一回。せーの。川。そうですね。それでは、ここに例文がありますね。はい、これは、私は川が好きです。という意味です。ですか、मतलब है कि मुझे दरिया पसंद है。はい、それでは、2回読んでみましょう。私は川が好きです。はい、それでは次ですね。はい、これはもう見てわかるように、読み方は木ですね。ダラフトコンボルテンジャープニスケンダー、木。はい、それでは読み方を2回読んでみましょう。せーの、木。そうですね、でもう1回言ってみましょう。せーの、木。はい、そうです。ここに例文がありますね。これは、木を、これですね。木を見ますという意味です。はい。This sentence का मतलब है、ダラフトを देखना。と、ハムジャパニーズも言うと、木を見ます。はい。そういう意味です。それでは次ですね。はい。さっき見た木の漢字が2つありますね。木がたくさんあるという意味です。यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था कि एक दरख्त अगर वो हम दो खांची को एक साथ मिला देंगे तो वो जंगल बन जाएगा। हाय, それはこれをどういうふうに言うかというと、はやしで林と言います。林ですね。それでは発音2回練習してみましょう。せーの、林。はい。それではもう1回。せーの、林。そうですね。はい、それではここに例文がありますね。林に行きますという意味です。はい。ですか、मतलब है कि मैं जंगल जा रहा हूँ。林に行きます。はい。それではもう一回みんなで読んでみましょう。せーの。林に行きます。はい。それでは次ですね。それでは。木からスタートして、木が2つあったら林。それでは木が3つあるのですごいたくさん木のある場所ですね。それを何て言うのかというと、森で森と言います。それでは2回発音練習する前に意味を、言ってください。पहले हमने एक ट्री पढ़ा था तो उसको हम बोलते थे की फिर हम दो ट्रीज पढ़े थे जब दो दरख्त एक साथ आ गए थे तो फिर क्या बन गया था वो हायाशी अब तीन दरख्त एक साथ हैं तो उसको हम बोलेंगे जंगल मोरी हाय सर जब हाथों लेशर्स टीम आशो
せーの、森。そうですね。それではもう一回言ってみましょう。せーの、森。はい、そうです。ここに例文がありますね。森に行きますということです。はい。ジャンガルジャーナ、ジャーラハン、森に行きます。はい。それでは最後に、行ってみましょう。せーの、森に行きます。はい。それでは次です。はい。これはですね、まあ、パキスタンにもたくさんある。ここでお米をたくさん、まあ、作っていますね。これをどういうふうに言うかというと、タと言います。ये चावल का खेत है और जापानीज में हम इसको बोलते हैं ता はい、それでは発音2回練習してみましょう。せーの、タ。はい、それではもう1回言ってみましょう。せーの、タ。はい、次は、ここに例文がありますね。田んぼはきれいです。このタっていう漢字が文の中に入るときは大抵たはきれいですではなく、田んぼ、これですね、ここはセットです。田んぼはきれいですというふうに言います。जब हम इस वर्ड को सेंटेंस के अंदर जुमले के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो हम सिर्फ ता नहीं लिख सकते, हम पूरा सेट वर्ड लिखते हैं,田んぼはきれいです。はい。ये जो जगह है, ये बहुत खूबसूरत है. そうですね。それでは2回みんなで読んでみましょう。田んぼはきれいです。それではもう一回。せーの。田んぼはきれいです。そうですね。それでは次にお願いします。はい、これですね。これ見てわかるように硬いものですね。これはどういうふうに発音するのかというと、石で石と言います。それでは2回、練習してみましょう。せーの。石。もう一回。せーの。石。はい。バランスはパッタレ。と、しかも、ジャパニーズ語で、石。石。はい。それが例文ですね。石を拾います。この拾うっていうのは、地面に落ちているものを、こうやって拾うときに拾いますと言います。अगर कोई पत्थर नीचे पड़ा हुआ है, अगर हम उसको उठाएंगे, तो हम बोलेंगे इशि ओ हिरोइमास। はい、それでは2回練習してみましょう。石を拾います。はい、もう1回。せーの。石を拾います。はい、次お願いします。はい、これですね。まあ、森の中に時々生えている。ものですね、これを何て言うのかというと、たけと言います。発音はたけです。バンス、ラムバジョダンダホタヘ、ウスカムキャボテヘ、たけ、ジャパニーズキャンダル。はい、発音2回練習してみましょう。せーの、たけ。もう1回。せーの、たけ。はい、そうです、ここに例文がありますね。竹は、まあ、長いです。上に長いときは長いと同じ意味で高いっていうのも使うことができますね。やっぱり書いてあるけど竹は長いです。竹जो है जो बांस का डंडा है वो लंबा है。はい、それでは2回練習してみましょう。竹は長いです。それではもう一回。せーの。竹は長いです。はい、それでは次です。はい、ここにたくさん人がいますね。これをどういうふうに発音するかというと、人という意味です。インサン、こう、ジャパニーズで言うと、人。はい、それでは発音2回練習してみましょう。せーの。人。はい、もう一回練習してみましょう。せーの、人。はい、そうです。ここに例文がありますね。はい、人がいます。インサン موجود ہے、人がいます。はい、
それでは2回練習してみましょう。せーの。人がいます。はい、もう一回。せーの。人がいます。はい、次お願いします。はい、これはすごい大事な言葉ですね。これが、まあ、何を意味するのか多分わかると思いますが、これの発音は、わ、た、し、で、わたしという意味です。それでは、進めます。ウルドゥメンボルテン、ムジェ、やっぱりめ、と、ジャパニーズメンボルテン、わたし。はい。それでは、発音2回練習してみましょう。せーの、わたし。はい、もう一回。せーの、私。はい、そうです。それではここに英文があるので見てみましょう。これは、私は学生ですという意味になります。意味をお願いします。メイストゥデントフン、タリブルムフン、ポスコムジャパニーズメイセルボルテン。はい、そうです。それでは2回練習してみましょう。私は学生です。はい、もう一回。せーの。私は学生です。はい、それでは次お願いします。それでは、今ここにいる2人ですね。はい、これは、まあどういう意味かというと、はい、発音は、せ、ん、せ、いというふうに発音します。読み方は、先生です。それでは意味お願いします。ウスタートコハンボルテンはジャパニーズキャンドル、先生。はい。それでは発音を2回練習してみましょう。せーの。先生。はい。もう1回言ってみましょう。せーの。先生。はい。そうです。それではここに例文があるので見てみましょう。先生。と話します、この話しますっていうのがどういう意味かというと、まあ話すっていうことですね。お互いに話すっていう意味です。意味をお願いします。ウスタードケサーバッカルナイスコンボルテンジャパニスケンダル先生と話します。はい。ジェサガメシャンセバッカルナとシャンと話します。はい。イスタラカミニング。そうです。それでは、これを2回練習してみましょう。せーの。先生と話します。もう一回。はい、先生と話します。はい、そうですね。次ですね。それでは次の漢字を見てみましょう。これは今そこに座っている皆さんのことを言います。読み方は、が、く、せ、いですね。発音は、学生というふうに言います。タルベルムコハムジャパニスキャンダルボルテヘン、学生、学生。はい。そうですね。読み方を2回練習してみましょう。せーの、学生。はい、もう一回ですね。せーの、学生。はい、そうです。それではここにある例文を読んでみましょう。これ、覚えていますね。さっき勉強したばっかのやつです。私は学生です。という文です。メイ、ストゥデントフン。ジャパニーズメンボルテン、私は学生です。はい。それでは2回練習してみましょう。せーの。私は学生です。はい。もう1回。せーの。私は学生です。はい。次お願いします。はい。これ、学校ですごい大事ですね。ここにある読み方は、と、もです。読み方は、とも。दोस्त को हम जापानीज़ के अंदर बोलते हैं यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है तोमो दाची
और इसकी सिर्फ पहले वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो है तोमो, इसको हम तोमो पढ़ते हैं हाई. और दोस्त को हम बोलते हैं तोमो दाची. はい、そうですね。それでは読み方を見てみましょう。友達に会います。はい。意味をお願いします。दोस्त से मिलने मिलना है. दोस्त से मिलने को हम ऐसे करके बोलते हैं. 友達に会います。मैं दोस्त से मिला。友達に会います。そうですね。それでは2回練習してみましょう。せーの。友達に会います。はい。もう一回言ってみましょう。せーの。友達に会います。はい、そうです。それでは次ですね。皆さん、学校に来るときはいつもここから入ってきます。ゲートコンボルテヘ、モン。जैसे नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है उसका मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो इस तरीके से हम लिखते हैं जापानीज के अंदर मोन. हाय, 発音はもとんでもんと言います。それでは発音2回練習してみましょう。せーの、もん。はい、それではもう1回言ってみましょう。せーの、もん。はい、そうです。それではここにある例文を見てみましょう。もんが空いています。空いているっていうのはこういうふうにオープンしてるってことですね。ゲート開くはい。じゃあ、スクールが中に入るとはい。とか、ゲート内に開くとは、あなたは中に入らない。いすいれ、やっぱりゲート開くはい。もんが空いています。空いていますか、まただけ開くはい。おもん、ゲート。いけ、もんが空いています。やに、ゲート開くはい。はい、それでは2回練習してみましょう。せーの、門が開いています。はい、もう1回言ってみましょう。せーの、門が開いています。そうですね。それでは次は、いや、もう今日勉強する言葉はこれで以上です。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。今日勉強したのをしっかり覚えてください。それではまた。ありがとうございます。अस्सलाम वालेकुम. आज हम वीडियो की तरफ से जापानी का अनुवाद नंबर एक, और इसमें हम आपको सिखाएंगे बोलना. तो शुरू करते हैं. ओहायो गुजाइमास. ओहायो गुजाइमास जापानीज के अंदर सुबह के वक्त इस्तेमाल किया जाता है. ओहायो गुजाइमास. ओहायो गुजाइमास इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर. कोनिचिवा. ये आप फ्रेंड्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हेलो, सुमिमासेन, माफ कीजिएगा. अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप बोलते हैं सुमिमासेन. चोट्टो मात्ते कुदासाई. एक लम्हा इंतजार करें, थोड़ी देर रुक जाइए. もう一度お願いします。एक बार और बताइए. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, किसी चीज की प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आती, तो आप बोलेंगे もう一度お願いします。ゆっくりお願いします。आहिस्ता बोलिए या फिर आहिस्ता कोई चीज करें. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती आपको, तो आप बोलते हैं आहिस्ता बोलें या फिर आहिस्ता करें ताकि आपको समझ आ जाए. ゆっくりお願いします。書いてください。バライカラム、リッキエ、書いてください。お願いします。お願いします。あがらっこいかもたへやこいかもあぷにきしせかるわなへとすわくたぷお願いします。いすてまるかてへバライカラム、みらいかんかるじいじい。
इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है お願いします質問があります मेरे पास सवाल है अगर आपसे अगर आपने किसी से कोई सवाल पूछना है तो आप बोलेंगे質問があります どういう意味ですか क्या मतलब है अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता जापानीज का तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं どういう意味ですか तो आपको फिर वो जवाब बताएगा और समझाएगा कि क्या है नान देस का क्या है अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं नान देस का वाकारिमाश्ता अगर आपको अपने सवाल का जवाब समझ आ जाता है तो आप बोलते हैं वाकारिमाश्ता मुझे समझ आ गई वाकारिमासेन मेरी समझ में नहीं आई わかりませんありがとうございますありがとうございますシュクリア अगर आपको कोई गिफ्ट देता है या कोई तोहफा देता है तो आप क्या बोलते हैं シュクリア Thank you ありがとうございますありがとうございますさようならさようなら अगर आप अपने दोस्त को अल्लाह हाफिज कह रहे हैं अलविदा कह रहे हैं तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं さようならさようならまた明日 कल मिलेंगे अगर आप अपने स्कूल के दोस्त के साथ हैं और आपकी छुट्टी हो गई स्कूल की और फिर आप उसको बोलेंगे また明日また明日見てください यहां पर देखिए見てください読んでください読んでくださいこれを読んでください इसको आप पढ़िए 読んでください聞いてください。सुनिए, जो हम कह रहे हैं वो सुनिए. 聞いてください。言ってください。बोलिए, 言ってください。静かにしてください。बराए मेहरबानी, खामोशी फरमाइए. खामोश हो जाएं. अगर आप बहुत शोर कर रहे हैं, तो आपको ये बोलेंगे जापानीज. 静かにしてください。はじめまして。私はドーハです。経営学科の1年生です。趣味は水泳です。どうぞよろしくお願いいたします。シャーンね、जो अभी आपको बताया है, वो introduction है Japanese के अंदर. जैसे, はじめまして、किसी से भी, अगर आप सबसे पहले मिलते हैं, तो उसको आप बोलते हैं, はじめまして。और उसके बाद आप अपना नाम बताते हैं वताशी वा दोहा देस वा इस्तेमाल होता है एज अ पार्टिकल वताशी वा दोहा देस मैं दोहा हूं के ए कक्का नो इचिनेन से देस मैं मैनेजमेंट स्कूल का फर्स्ट मैं मैनेजमेंट स्कूल के फर्स्ट ईयर में हूं ये जो नो का पार्टिकल है ये के ए कक्का नो इचिनेन से देस ये रिलेशन बता रहा है कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं शुमी वा सुईए देस मेरी हॉबी मेरा शौक स्विमिंग तैरना है वा का जो ये पार्टिकल है ये बता रहा है कि मुझे तैरना पसंद है मेरी शुमी जो है मेरी हॉबी जो है वो तैरना है दोजो योरोशिको ओनेगाई शिमास जब आप अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बोलते हैं दोजो योरोशिको ओनेगाई शिमास वाताशी वा दोहा देस मैं दोहा हूं अगर आपने इंट्रोडक्शन देना है किसी को तो आप यहां पर अपना नाम लगा सकते हैं फॉर एग्जांपल वाताशी वा शान देस वाताशी वा दोहा देस आप अपना नाम लगा के कह सकते हैं वाताशी वा नानी नानी देस कुनी वा पाकिस्तान देस मुल्क पाकिस्तान है कुनी means मुल्क वा पार्टिकल पाकिस्तान देस मुल्क पाकिस्तान है वाताशी नो कुनी वा पाकिस्तान देस मेरा मुल्क पाकिस्तान है ये जो नो का पार्टिकल है ये रिलेशन बता रहा है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान है
私の友達はシャンです。यहाँ पर भी जो नो का पार्टिकल है वो ये बता रहा है कि मेरा दोस्त शान है वताशी नो तोमोदाची वा शान देस वताशी नो निहोंगो नो सेंसे वा शिबुया देस यहाँ पर भी नो का पार्टिकल आप उस वक्त लगाते हैं जब आपको कोई चीज बतानी होती है कि ये मेरी है जैसे कि वताशी नो निहोंगो नो सेंसे वा शिबुया देस मेरी जापानी की सेंसे उस्ताद शिबुया है मेरी है इसलिए आप नो का पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं 何年生ですか？2年生です जब भी आपको जापानीज में किसी से सवाल करना होता है तो एंड में आप सवाल के दिस का इस्तेमाल करते हैं का जो वर्ड है वो ये बताता है कि आप सवाल पूछ रहे हैं 何年生ですか？2年生です मैंने पूछा आप कौन से ईयर में हैं तो शान ने बोला मैं दूसरे साल में हूं 趣味は何ですか？趣味は水泳です शान ने मुझसे पूछा आपकी हॉबी क्या है फिर मैंने कहा मेरी हॉबी तैरना है स्विमिंग है 趣味は水泳です趣味は何ですか趣味は水泳です。電話番号は何ですか781111です。あっかフルナンバーキャーヘ。電話番号は何ですか781111です。国はどちらですかパキスタンです。国はどちらですか सवाल इस तरीके से पूछते हैं आपका मुल्क कौन सा है जब भी आपने किसी का मुल्क पूछना होता है या कोई जगह पूछनी होती है तो आप दोचिरा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कुनी वा दोचिरा देस का वताशी वा गक्सेई देस वताशी मो गक्सेई देस जब भी आपका कोई आपकी कोई चीज सेम होती है जैसे शान भी गक्से है शान भी स्टूडेंट है और मैं भी स्टूडेंट हूं तो मैं जो ये भी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं भी एक तालिबिल हूं इसी तरीके से जापानीज के अंदर हम मो का इस्तेमाल करते हैं वताशी वा गक्से देस वताशी मो गक्से देस मो का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम बताते हैं मेरे पास भी मैं भी यही हूं I am also a student. Watashi mo gakusei desu. Watashi wa Pakistan jin desu. Watashi wa Nihon jin desu. इसी तरीके से इधर हमने mo का इस्तेमाल नहीं किया क्यों क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट डिफरेंट है शान पाकिस्तान जीन देस शान वा पाकिस्तान जीन देस शान पाकिस्तानी है Watashi wa Nihon jin desu. यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि मैं जापानीज हूं इसलिए हमारा मुल्क डिफरेंट है तो हम यहां पर वा का इस्तेमाल करेंगे मो का इस्तेमाल नहीं करेंगे वाताशी वा इचिनेंसेई देसु वाताशी वा निनेंसेई देसु अब यहीं पर अगर मैं बोलूं वाताशी मो इचिनेंसेई देसु तो फिर ठीक है लेकिन मैं निनेंसेई हूं मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूं इसीलिए मैं बोलूंगा वाताशी वा निनेंसेई देसु तो ये थी हमारी पहली बोलने की प्रैक्टिस स्पीकिंग वीडियो अगर आपको कोई सवाल है और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस अपलोड करेंगे वो आप कंप्लीट करें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए फिर मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम